हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 9.3 पे है और यहाँ कह रहा है प्रूव डेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस 36 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू में कॉस 78 डिग्री इक्वल टू में 1/16। चलिए हम लोग इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। दिया हुआ है कॉस 36 डिग्री, कॉस 42 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 78 डिग्री। चलिए इसमें से हम लोग 36 का वैल्यू जानते हैं और cos 60 का वैल्यू जानते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड और बाकी दो बचे हुए उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos 78 डिग्री, cos 42 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos A cos B का। क्या होता है फॉर्मूला? cos A प्लस बी और प्लस में cos A माइनस बी। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/2 cos 36 डिग्री का। cos 36 डिग्री की बात करेंगे तो इसका होता है रूट 5 प्लस 1/4। ठीक है, और cos 60 डिग्री का 1/2। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा cos 120 डिग्री और फिर प्लस में cos 36 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा आपका रूट 5 प्लस 1/16। ठीक है, और यहाँ देखिए इंटू कॉस 60 का, कॉस 120 का वैल्यू जो होता है माइनस 1/2 और कॉस 36 जानते हैं रूट 5 प्लस 1/4। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 120 है ना, तो इसे आप चाहो तो कॉस 180 माइनस का 60, यानी ये हो जाएगा माइनस का कॉस 60 यानी माइनस का 1/2। इसलिए हमने ऐसे वैल्यू लिख दिया डायरेक्ट। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एलसीएम लेके अंदर रूट 5 प्लस 1/16 और अंदर एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, इसमें डिवाइड करेंगे 2 माइनस का 2 प्लस का रूट 5 प्लस 1, यानी आ जाएगा रूट 5 प्लस 1/16 इंटू में यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 1/4, प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा और नीचे देखिए 16 इंटू में 4, तो ऊपर 5 माइनस 1/16 इंटू में 4, यानी अब आगे लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू में 16 इंटू में 4, तो यहाँ 4 से 4 आपका कट जाएगा तो 1/16 आपका RHS आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में हमें प्रूव करना है, दिया है साइन पाई बाई 5, साइन 2π/5, साइन 3π/5 और साइन 4π/5 इक्वल टू में हमें पाई बाई 16 प्रूफ करना है। 5/16 सॉरी, इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। साइन पाई बाई 5, साइन 2π/5, साइन 3π/5, साइन 4π/5। चलिए अब देखिए साइन पाई बाई 5 ये रहना, तो इसका वैल्यू तो हमें पता ही है, इसमें हम लोग थोड़ा चेंज लाते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस, कितना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसमें माइनस कर देंगे हम लोग कितना जी, पाई बाई 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा क्या, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5π और यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई, तो 4π/10 यानी 2π/5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 और प्लस में पाई बाई 10 कर दे क्या, ऐड करेंगे एलसीएम में किया जाएगा, और इंटू में यहाँ साइन इसे कर देते हैं पाई माइनस का पाई बाई 5। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले लगाएंगे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जिसका होता है कॉस थीटा। अच्छा, फिर लगाएंगे साइन पाई बाई 2 प्लस का थीटा, ये हो जाएगा ये भी कॉस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा ये आपका साइन थीटा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए साइन पाई बाई 5 यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 10, यहाँ सॉरी कॉस ना हो जाएगा, कॉस में ना कन्वर्ट हो रहा है कॉस, और यहाँ भी कॉस पाई बाई 10 और यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 5। इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉस में कन्वर्ट हो गया, साइन का साइन में रह गया। ठीक है, तो यहाँ ये दो टाइम्स है तो साइन स्क्वायर पाई बाई 5 और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 10। अब देखिए साइन पाई बाई 5 का वैल्यू, चलिए तो साइन पाई बाई 5 का वैल्यू क्या होता है, तो आता है रूट 10 माइनस 2√5/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, और कॉस पाई बाई 10 का रूट अंडर
टेन प्लस टू रूट फाइव बाई में फोर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आ जाएगा टेन माइनस टू रूट फाइव और नीचे फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, यहाँ टेन प्लस टू रूट फाइव और यहाँ फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो प्लस माइनस में है तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, और बाई में आपका सिक्सटीन इंटू में सिक्सटीन, तो टेन का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा हंड्रेड, माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, टू का स्क्वायर फोर, फोर फाइव जो ट्वेंटी, बाई में सिक्सटीन इंटू में सिक्सटीन, ऊपर एटी और बाई में सिक्सटीन इंटू में सिक्सटीन, तो सिक्सटीन फाइव जा, तो फाइव बाई सिक्सटीन यही ना हमें लाना था, हमारा आर एच एस आ गया, समझ गए, क्लियर है। चलिए एटीन टेन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेन नंबर में यहाँ पे हमें प्रूव करना है कॉस फाइव बाई फिफ्टीन, कॉस टू फाइव बाई फिफ्टीन, कॉस थ्री फाइव बाई फिफ्टीन, कॉस फोर फाइव बाई फिफ्टीन, कॉस फाइव पाई बाई फिफ्टीन, कॉस सिक्स पाई बाई फिफ्टीन, कॉस सेवन पाई बाई फिफ्टीन इक्वल टू वन बाई वन ट्वेंटी एट। तो चलिए हम लोग इसका एल एच एस वाला पार्ट लेते हैं। दिया हुआ है कॉस पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस टू पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस थ्री पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस फोर पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस फाइव पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस सिक्स पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस सेवन पाई बाई फिफ्टीन। अच्छा अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, ये कॉस पाई बाई फिफ्टी पाई बाई फाइव पाई बाई फिफ्टीन है ना, इसको अगर आप काट देते कॉस पाई बाई थ्री हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं इसलिए इसको इसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा और फिर उसके बाद कॉस पाई फाइव पाई बाई फिफ्टीन, फिर उसके बाद इसका मल्टीपल कॉस टू पाई बाई फिफ्टीन, कॉस फोर पाई बाई फिफ्टीन, इसको एक साथ कर लेते हैं, समझ रहे ना बात को। फिर उसी तरह से यहाँ पर कॉस थ्री पाई बाई फिफ्टीन जो है, और इसके एंगल का मल्टीपल देखो यहाँ पे टू से टू, कॉस सिक्स पाई बाई फिफ्टीन इसको ले लेते हैं, और फिर ये लास्ट में कॉस सेवन पाई बाई फिफ्टीन को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू होता है वन बाई टू, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद कॉस यहाँ पर है फाइव पाई बाई फिफ्टीन, कॉस टू पाई बाई फिफ्टीन, कॉस फोर पाई बाई फिफ्टीन, और फिर इंटू कॉस थ्री पाई बाई फिफ्टीन, कॉस सिक्स पाई बाई फिफ्टीन इंटू कॉस सेवन पाई बाई फिफ्टीन। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ वन बाई टू ऐसे रन देते हैं, यहाँ नीचे ना हम लोग डिवाइड करते हैं वन बाई टू साइन पाई बाई फिफ्टीन से, डिवाइड करते हैं टू साइन फाइव पाई बाई फिफ्टीन से, और यहाँ मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, कॉस पाई बाई फिफ्टीन और इनटू इसको अलग रख देते हैं यहीं पे, कॉस टू पाई बाई फिफ्टीन, कॉस फोर पाई बाई फिफ्टीन। फिर वन सेकेंड इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं टू कॉ टू साइन थ्री पाई बाई फिफ्टीन से, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं टू साइन थ्री पाई बाई फिफ्टीन और फिर कॉस थ्री पाई बाई फिफ्टीन, ठीक है, और इनटू में आपका ये कॉस सिक्स पाई बाई फिफ्टीन इनटू में कॉस सेवन पाई बाई फिफ्टीन। अब इसके बाद आगे देखते हैं वन बाई यहाँ क्या हो जाएगा फोर साइन पाई बाई फिफ्टीन, यहाँ ये यह फॉर्मूला लग जाएगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन टू थीटा का टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये साइन टू पाई बाई फिफ्टीन और इनटू में कॉस टू पाई बाई फिफ्टीन रहने देते हैं, और फिर यहाँ पर ये यह कॉस फोर पाई बाई फिफ्टीन को अलग रखते हैं, फिर यहाँ पे भी उसी तरह से इंटू इंटू वन बाई टू साइन थ्री पाई बाई फिफ्टीन। अच्छा ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन सिक्स पाई बाई फिफ्टीन का, और इंटू में ये आपका है ही कॉस कॉस सिक्स पाई बाई फिफ्टीन, कॉस सिक्स पाई बाई फिफ्टीन, कॉस सेवन पाई बाई फिफ्टीन। अब इसके बाद देखिए यहाँ फिर से टू से डिवाइड और यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ना ये फॉर्मूले पे सेट होगा, यहाँ एट साइन पाई बाई फिफ्टीन और यहाँ टू आ जाएगा टू साइन टू पाई बाई फिफ्टीन, कॉस टू पाई बाई फिफ्टीन, कॉस कॉस फोर पाई बाई फिफ्टीन, और फिर इंटू में
इंटू में 1/2 sin 3π/15। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग 4 यहाँ भी कर देते हैं, 4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin 6π/15 cos 6π/15 और इंटू में यहाँ पर है cos 7π/15। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा, यहाँ 1/8 sin π/15 और यहाँ पर ये आ जाएगा sin 4π/15 और इंटू में है यहाँ पर cos 4π/15 और फिर इंटू में 1/4 sin 3π/15 यहाँ हो जाएगा ये आपका sin 12π/15 इंटू में cos 7π/15। अब आगे इसको आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर देखिए अब इसके बाद यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 1/16 sin π/15 2 sin 4π/15 cos 4π/15। अच्छा और इंटू में 1/4 यहाँ पे क्या है sin 3π/15 इंटू में ये है आपका sin 12π/15 और इंटू में यहाँ पर है cos 7π/15। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/64 sin π/15 sin 3π/15। अच्छा और फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 8π/15 का और फिर है इंटू में sin 12π/15 cos 7π/15। ठीक है चलिए अब आगे इसे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/64 sin π/15 sin 3π/15 यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसे sin π - 7π/15 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा फिर इंटू में sin 12π/15 cos 7π/15। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई फिर से कर देते हैं, 128 sin π/15 sin 3π/15। चाहो तो आप इसे काट सकते हो, 3 5 15 यानी π/5 कर सकते थे। ठीक है और ऊपर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका sin 7π/15 हो जाएगा, sin 180 - sin θ होता है और 2 से डिवाइड यहाँ किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको ले लेते हैं cos 7π/15 और यहाँ पे ये sin इसको भी काट सकते हैं 3 4 12 और 3 5 15। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1/128। अच्छा इसको sin π/15 और sin π/5 यहाँ पर ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 14π/15 sin 4π/5। अब आगे देखते हैं क्या होता है, 1/128 sin π/15 sin π/5 एक काम करते हैं, चेंज करते हैं, sin π - π/15 हो जाएगा, एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ भी π - π/5 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1/128 sin π/15 sin π/5 ऊपर यहाँ हो जाएगा sin π/15 और यहाँ sin π/5। हम लोग फॉर्मूला यहाँ बार बार जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, sin π - θ का sin θ। ठीक है ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, जो हमें प्रूव करना था 1/128 हमें मिल गया हमारा RHS, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे
रविकांत सर डॉट इन। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।